Like, yeah, so sweet. She's so sweet. Yeah, I like it. So now I'm giving you one challenge. Challenge. So this challenge में क्या है कि I'll give you some dialogues. Okay. ना these are some famous Bollywood dialogues. Oh, okay. Funny dialogues. Okay. Okay. तो ये आपको play करने हैं. आप कोई भी character इसमें डाल सकते हैं कि कोई भी character कोई भी कैरेक्टर डायलॉग को बोल रहा है जिस तरीके से आपको लगे कि इस डायलॉग को बोलना है वैसा बोलना ओके ठीक है ठीक है तो आर यू रेडी या चलो तो पहला जो डायलॉग है वो है अब प्यार ना हुआ तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है हाँ इसको चलो श्रीदेवी जी के अंदाज में बोलते हैं हाँ प्यार ना हुआ तुम्हारा ये यूपीएससी का एग्जाम हो गया 10 साल से ट्राई कर रहे कुछ भी नहीं हो रहा है ओह गॉड आई एम सो टायर्ड इसलिए मैं लड्डू बनाने बैठ गई हूँ मैं क्या करूँ थैंक यू एकदम ही कर लिया यार हाउ यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ थैंक यू ओके तो नेक्स्ट है वो है सलमान खान का डायलॉग है इस मूवी दबंग हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और ओके इसको फराह खान जी बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी तुमको ना यू लिसन टू मी केयरफुली क्योंकि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे ना कि पता नहीं चलेगा कि सांस कहां से ले और अंडरस्टूड ना दादा बात मत कर समझा ना शट अप ओके डोंट जस्ट स्टॉप इट जस्ट स्टॉप इट बोले ये स्टॉप हो गई इतना डर गई मैं वैसे देख रही हूं ना कैसे कर रहे हो यार तेरा क्या होगा कालिया इसको अगर सोनम कपूर बोले तो कालिया तेरा क्या होगा यार लाइक थिंक अबाउट इट यार डू समथिंग कालिया तू कुछ कर ले तेरा क्या होगा तेरा कुछ नहीं होने वाला है मतलब तू कपड़े चेंज कर ले अपने आई एम टेलिंग यू लाइक जस्ट वेयर समथिंग मोर फैशनेबल तब जाके कुछ हो सकता है तेरा बट अदरवाइज तेरा कुछ नहीं हो रहा है कालिया यार लाइक दिस इज नॉट फाइन इट्स नॉट कूल इट्स नॉट वर्किंग इज इट वर्किंग थैंक यू फॉर कीपिंग इंटरेस्ट इन माई लाइफ कौन बोलेगा हेमा जी शायद लोग कहते हैं कि मैं नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ पर मैं नहीं हूँ नहीं ऐसा नहीं है मैं तो मैं बसंती हूँ कल रिजल्ट आने के बाद मैं सबको धन्यवाद जरूर करूंगी This was okay. लड़की के पीछे भागेगा लड़की पैसे के पीछे भागेगी तो पैसे के पीछे भागेगा लड़की तेरे पीछे भागेगी हेमा इसको आशा जी देखो तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे के पीछे भागेगी लेकिन अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे है ना गौर से सुनना अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी इसलिए दिमाग लगाओ और पैसे के पीछे भागो ठीक है लड़की के पीछे मत भागो तो मुझे लगता है इसको जवाब देना ही नहीं चाहिए जो चल रहा है वो ठीक है ओह माय गॉड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा आंखें निकाल कर गोटिया खेलता हूँ मैं गोटिया ओह गॉड अब ये कौन बोलेगा कंगना हाँ क्या नाम है मेरा तुमको क्या लगता है मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो ठीक है लोगों के आंखें निकाल के मैं गोटियां खेलता हूँ ठीक है ना तो अब डोंट थिंक कि तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मेरे से तुम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट इट हाँ क्योंकि मैं लोगों की आंखें निकाल के गोटियां खेल सकती हूँ ठीक है ना तो मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा आप लोग सोचकर बात किया करो आप लोग कुछ भी बात करते हो पर ऐसा नहीं होता है ना कभी कभी अपनी इंटेलिजेंस आपको यूज करनी पड़ती है इससे यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द थिंग दैट यू आर सेइंग इससे आप मेरे सामने ना इस तरह के सवाल ना पूछेगा आप पूछो मत मेरे से बात ही मत करो क्योंकि मैं एक एक से पंगा लूंगी एक एक को छोड़ूंगी नहीं मैं क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए होता है ठीक है ना तो आप मेरे से पंगा मत लो क्योंकि मैंने पंगा अभी अभी बनाई है ठीक है तो आप समझ लीजिए आप क्या मैं दोबारा बोलूं कैसे स्विच ऑन कर लेते हो यार थोड़ा इतने सारे कैरेक्टर चले जाते हो
ओके, जो नेक्स्ट डायलॉग है वो है, आलू ले लो कांदा ले लो, सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा. दिस इज फ्रॉम नाना पाटेकर का डायलॉग है ये, फ्रॉम वेलकम मूवी. ओके, आलू ले लो कांदा ले लो, हाँ सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा. कैसे लोग है समझ में नहीं आता. बाबा आलू ले लो बाबा, कांदा ले लो बाबा, क्योंकि सुबह से एक आलू नहीं बिका ना ही आधा कांदा बाबा ले लो बाबा. मैं गरीब आदमी बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगा बाबा, करे दो बाबा. चलिए हाथ ना लगाना. दिस वाज फन. ओके नेक्स्ट डायलॉग है ये कौन. अच्छा दिस इज कितना काम करवा रही है ज्योति. करीना. ओके भाई गॉड, कौन है ये, कौन है ये आदमी जो चालू एपिसोड में बीच में कमर्शियल ब्रेक की तरह आ जाता है. ओ गॉड आई कांट टेक दिस. सिकड़ी मैं भटिंडा की एक एक को छोड़ूंगी, ठीक है ना, बीच में मत आना. हो गया. ओके नेक्स्ट ये सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, मिली है तो सिर्फ ये तारीख. तारीख कैरेक्टर सारे हो गए मेरे. यू वांट टू डू दैट, मैं उसका करूं क्या, वो शहनाज गिल फ्रॉम बिग बॉस. आपको पता है तारीख पे तारीख है ना, तारीख पे तारीख मिलती गई है. देखे ना लाइक जे तारीख मिल रही है और मिलती जा रही है, मतलब सिद्धार्थ तू भी सोच ले, तारीख पे मिल रही है, इतनी सारी तारीखें मिल रही है, पर ना जब मैं सोच रही हूँ कि इंसाफ नहीं मिला अभी तक यार लोगों को, मतलब इंसाफ नहीं मिला अभी. देखो ऐसे ही होता है लोगों के साथ, पता नहीं मैं वही सोच रही हूँ कि तारीख नहीं मिली. वैसे आज का डेट क्या है सिद्धार्थ बताना यार, मेरे को डेट नहीं पता. मैं कौवे को पूछ रही हूँ, उनको पूछ लूँ मैं डेट, उनको पता होगा शायद. हो गया कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तेरे पास नहीं है. मैंने इतना सब कमा के रख लिया, मैंने इतने सारे शोज किए तो मेरे पास ये सब है, तेरे पास क्या है बाप. अरे तू सोच ना यार, तू बहुत ऐसा टाइम पास कर रहा है, ये नहीं चलेगा, जाके जरा काम कर, ठीक है ना. God, yeah, these people don't know anything, yeah. What is going on in this world, yeah. Shahrukh, tell them, yeah. Karan, what are you doing, yeah. What are these people, they're asking me so many questions. I'm so tired. I'm really sorry. thank you so much. Thank you, thank you. It was just thank amazing. You. And I thank love you, yeah. Thank you so much. Seriously, thank you. मुझे लगता है कि जो हमने देखा है BFC's, you're 10 or 20%. 10 or 20%, हाँ. Right. Yeah, yeah. इतना काफी है, धीरे 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 धीरे. धीरे धीरे आऊंगी ना मैं. सीरियसली आई वांट टू सी यू डूइंग एवरीथिंग. सीरियसली थैंक यू. मैं सीरियसली चाहती हूं कि जो जो आपने सोचा है ना, यू गेट एवरीथिंग. आई थैंक यू, आई जस्ट होप. या थैंक यू सो मच. आई रियली एंजॉय दिस इंटरव्यू. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. आई एंजॉय टॉकिंग टू यू. या थैंक यू. इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स. या दैट्स, आई एम सो ग्लैड यू एंजॉयड. थैंक यू वेरी मच.